ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? मेरे घर में तो जोर शोर से भोले बाबा की पूजा की तैयारी चल रही है। आप लोग पूजा कर रहे हैं कि नहीं? सो देखिए, मैं अपने घर के मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि तैयारी करने में भी बहुत ही टाइम लगता है। ये मेरी लड़की है, अभी मैं तो मंदिर जाऊँगी, इसीलिए मुझे मंदिर जाने की अलग से थाली तैयार कर रही है मेरी लड़की। मैं घर का पूजा करने में बिजी हूँ अभी तो। और देखिए, मैं घर का पूजा कर रही हूँ और ये मैं आरती कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये मेरा आरती स्टार्ट हो चुका है, मैं और मेरी लड़की दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मैंने अपनी पूजा पाठ घर का कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये मेरा आरती अब बस ख़त्म ही होने वाला है और मैं इसके बाद से अपने घर के बाहर वाले तुलसी माता के चौके पर जाऊंगी, उनको उनकी पूजा करूंगी। सूर्य भगवान जी को अर्घ दे रही हूं, आप देख सकते हैं। सोमवार का दिन है, हम दोनों पीले पीले में पूरे लाल पीले हुए हैं, एकदम भगवा रंग में रंगे हुए हैं। भोले बाबा का कलर चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, आप देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली, उसके बाद से पीला पीला देख सकते हैं। हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए भोले बाबा के मंदिर में। अब भी आ जाइए हम लोग के साथ में, मैं और मेरी लड़की जा रहे हैं, मेरा लड़का पीछे से आ रहा है। मैं चलिए मेरे साथ में भोले बाबा का दर्शन कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं भोले बाबा के द्वार पर पहुंच चुकी हूँ। हर हर महादेव शंभू। ये देखिए, मैं अभी पूजा पाठ करूंगी, सुबह का टाइम है तो बहुत ही कम लोग हैं अभी मंदिर में, आने तो पूरा दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। जो है महाराष्ट्र के पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर थे, काफी मोटा है। तो आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने किस तरह से हमें बहुत अच्छी तरह से पूरे विधि विधान से पूजा करवा दिया है। मैं, मेरी लड़की और मेरा लड़का, हम तीनों गए हुए थे और भी पंडित जी ने कहा कि बाकी सभी देवी देवताओं को आप अपने से पूजा कर लीजिए। उन्होंने शिव जी का पूजा तो करवा दिया है, पूरे सपा छुपा सबके साथ में करवा दिया है बहुत विधि विधान से। और ये देखिए मेरे दोनों बच्चे और मैं ये नंदी भगवान जी का पूजा कर रही हूँ। पूरे मंदिर के परिसर में जितने भी देवी देवता है फ्रेंड्स, उन सबका पूजा पाठ करना होता है अगर हम मंदिर जाते हैं तो। ये देखिए, पीपल का पेड़ है, मैं वहाँ पूजा कर रही हूँ। तुलसी जी, तुलसी माता का भी चौका रखा हुआ है, मैं वहाँ पर भी पूजा करूँगी। एक साइड में मेरे हनुमान जी का भी मंदिर है छोटा सा, मैं वहाँ पर भी जाकर पूजा करूँगी। शनि भगवान जी का भी बना हुआ है मूर्ति, फिर मैं वहाँ भी जाके पूजा करूँगी फ्रेंड्स। अभी सुबह का समय है तो थोड़े कम है भीड़, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हम बेटा है, ये कैमरा में आना नहीं चाहता है, फिर भी थोड़ा सा आ गया है ये। तो आप देख सकते हैं मेरी लड़की फोटो ले रही है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा पूरा पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है। मैं भोले बाबा के मंदिर में सुबह सुबह आ गई हूँ, पूजा पाठ मैंने कर लिया है और ये देखिए मैं कितने अच्छे तरह से पूजा कर लिया है। मैंने बड़ी से थाली पकड़ी है, मेरा लड़का रोड पर है। चलो पापा को देख लो, भैया को देख लो, भैया को। सो फ्रेंड, पूजा पाठ हो गया है, अब हम लोग घर जा रहे हैं, घर की तो और अब सुबह का काम निपटाना है। तो देख सकते हैं मैं घर पहुंच गई हूं अपने। तो हरी न करी
फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? सावन के दूसरे सोमवार की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। आप लोग मंदिर गए कि नहीं? अगर नहीं गए हैं तो मेरे वीडियो को देख देख कर जाइए, दर्शन कर लीजिए भोले बाबा की। तो मेरा तो आपको मैंने दिखाया कि मेरा सुबह का रूटीन कैसे मैंने कंप्लीट किया, घर का पूजा किया, बाहर मैं शिव मंदिर भी गई और मेरा आज मन इतना शांति हुआ शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करके कि मैं क्या कहूँ। इतना मन शांति हुआ कि मैं तो घर में आकर बस झूमने लगी। मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी नाश्ता दीजिए नाश्ता दीजिए, मैं बोली नहीं, पहले थोड़ा सा एंटरटेन कर लेती हूँ मैं अपने आप को, फिर मैं तुमको नाश्ता देती हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने भोले बाबा के दर्शन कराए आपको। इन सबको क्या आप लाइक करना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से प्लीज़ प्लीज़ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।